देपालपुर में पदस्थ इंदौर के तहसीलदार रविंद्र सिंह मंडलोई के भाई वीरेंद्र सिंह पर उज्जैन में कोठी रोड पर 8 से 10 लोगों ने बेसबॉल से हमला बोल दिया। वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताई जा रही है। पुलिस ने उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव के भाई नंदलाल यादव के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। उज्जैन के तेलीवाड़ा में 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी है, जिस पर भाजपा विधायक यादव के साले सत्यनारायण ने कब्जा कर लिया है। इसी को लेकर कोर्ट में तारीख पर आए थे। घायल वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2013 से उसकी तेलीवाड़ा स्थित मकान पर अन्य लोगों का कब्जा था। कोर्ट से मेरे पक्ष में डिक्री हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के लिए धमकाया जा रहा है। इसी मामले में उज्जैन कोर्ट में पेशी पर आया था। कोठी रोड पर नंदलाल यादव और 5 से 7 लड़कों ने घेर लिया, जिसके बाद बेसबॉल से हमला कर मारपीट की और पैर में चाकू भी मारे। घायल मंडोई को सिर, हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुए हैं। उनकी रिपोर्ट पर नंदलाल यादव और 5-7 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोठी रोड के पास में एक मारपीट का मामला आया है। घायल व्यक्ति जो है हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, वहाँ पर पुलिस पार्टी गई है। अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, उसकी प्रोसेस चल रही है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। एफ आई आर के अंदर नामजद नाम की एफ आई आर हो रही है। कुछ अज्ञात व्यक्ति भी हैं, उनके नाम की रिपोर्ट की जा रही है और बहुत ही शीघ्र अभी एफ आई आर की प्रोसेस चल रही है। पारिवारिक मकान मेरा जो है 197 बड़ा तेलीवाड़ा अनुपात मार्ग पर स्थित है, जिसमें एक दुकान है। उसको खाली कराने को लेकर मैंने न्यायालय में दावा लगा रखा था। मेरे पक्ष में न्यायालय से डिग्री पारित की गई और खाली कराने का आदेश हुआ। सत्यनारायण यादव जो है डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण के साले हैं, विधायक साहब के साले हैं, और उनका भाई नंदलाल यादव आए दिन जान से मारने की धमकी देता रहता है, जिसकी रिपोर्ट मैंने पूर्व में भी थाने में की थी। जब मैं न्यायालय से 4 बजे बाहर निकला, कोठी रोड के पहले साइंस कॉलेज वहाँ मैं पहुँचा, तो वहाँ पर नंदलाल यादव उनके साथ 7-8 लड़के, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी की जो गेती के हत्थे होते हैं वो हत्थे थे। हत्थों से उन्होंने मेरी पिटाई की। सीधी जांग पे, राइट जो जांग है, इसके पीछे भी मेरे को चाकू का घाव है जो इन्होंने मारा। मतलब मेरे साथ ये घटना घटी है और मुझे जान से मारने की धमकी देते रहे, और मुझे इन लोगों से मेरे को जान का खतरा बना हुआ है।